राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के राजनीति विज्ञान विषय बीए सेमेस्टर 6 डीएससी 4 पेपर गांधीयन थॉट में गांधी एज फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में गांधी विषय पर मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगी। पिछले ऑडियो में आप लोगों ने गांधी और राज के बारे में सुना कि गांधी जी राज को एक आवश्यक बुराई मानते थे, उसे हिंसामूलक संस्था कहा क्योंकि राज हिंसा से उत्पन्न होता है। तो इस चैप्टर में हम सुनेंगे दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में गांधी। यहाँ गांधी जी को दार्शनिक कहा गया है, और दार्शनिक किसे कहा जाता है? दार्शनिक वो होता है जो हमें भविष्य का खाका या आउटलाइन दिखाता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए या भविष्य में कैसा राज या समाज होना चाहिए। वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो हमारे हित में हो। प्लेटो और रूसो जैसे महान दार्शनिक विचारकों ने आदर्शवाद और सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया जो कल्पना पर आधारित था। तो गांधी जी भी हमारे समक्ष आदर्श भविष्य की परिकल्पना प्रस्तुत किए। भविष्य का चित्र रखा कि राज राम राज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। उन्होंने राम राज की परिकल्पना की, इस नाते उन्हें दार्शनिक कहा जा सकता है। दूसरी बात, गांधी जी को अराजकतावादी कहा गया है। अराजकतावाद के बारे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अराजकतावाद क्या है। अराजकतावाद का मतलब शासन विहीन समाज जहां शासन का अभाव हो या राज के नियंत्रण का अभाव हो। अराजकतावादियों के अनुसार राज अवांछनीय, अनावश्यक और हानिकारक है। यह राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। तो राम राज की कल्पना करने वाले गांधी जी भी राज को एक आवश्यक बुराई कहा। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान गांधी जी एक राज विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। राज के संबंध में गांधी जी का विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है, तथा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। जॉर्ज बॉब ड्यूरेंट जैसे राजनीतिक विचारक गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं क्योंकि वह राज को मूलतः बुरा मानते थे। गांधी जी दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारणों के आधार पर राज का विरोध करते थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी का मानना है कि राज के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, या अतः या तो राज को ही समाप्त हो जाना चाहिए या उसे व्यक्ति के जीवन का अंतिम अध्याय रहना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में राज केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, किंतु राज एक आत्मा रहित जड़ मशीन है जिसे हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। सैद्धांतिक रूप में राज के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज को बिल्कुल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी का विचार था कि राज का कार्यक्षेत्र कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जाता है। मतलब
गांधी जी राज का विरोध करते थे किंतु पूर्णतः उसको समाप्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन राज का प्रभाव कम से कम होना चाहिए, अर्थात राज आवश्यक है और बुरा भी है, ये गांधी जी का मानना था। किंतु गांधी जी ना तो क्रोपाटकिन और बकूनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज को समाप्त करने के पक्ष में थे और ना ही वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। राज को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिसे राज सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, अर्थात राज के प्रभाव को और शक्ति को कम से कम करने के प्रयत्न में थे, जिससे व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण पर दिए गए थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता या शासन या सरकारी शक्तियों का विभाजन किया जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका भागीदार बनाया जाए। तो गांधी जी के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण का अभिप्राय था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। और यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना सत्ता की विकेंद्रीकरण के लिए ही की गई है, ताकि गांव के लोगों का राजनीतिक आर्थिक विकास हो सके, वे स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए गांधी जी आत्मनिर्भर गांवों का चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि मैं मेरे ग्राम स्वराज का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। जहां तक संभव हो प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। और दूसरा, गांधी जी ने दूसरा सुझाव दिए हैं राज सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए कि राज का कार्य क्षेत्र कम से कम होना चाहिए या राज का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वे थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। और तीसरा है राज के प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन या प्रभुसत्ता का विरोध। गांधी जी राज की ऐसी निरंकुश सत्ता के विरोधी थे जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य आँख मूंद कर राज की आज्ञा का पालन करना। मतलब वो वैसे सभी सत्ता का विरोध करते थे जो आँख मूंद कर राज सत्ता के कर्तव्यों का पालन करते थे। तो
तो इसके विपरीत गांधी जी विशुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता में विश्वास करते थे। मतलब जनता ही सर्वे सर्वा, जनता की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, जनता के शासन में विश्वास करते थे। वे नैतिकता का विरोध करने वाले सभी कानूनों का प्रतिरोध करने का व्यक्ति को अधिकार ही नहीं प्रदान करते हैं, अपितु उसका यह कर्तव्य समझते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक ऐसे राज की परिकल्पना करते थे जो अहिंसा पर आधारित हो, जो उनकी चाहत या उनकी भावना थी कि राम राज में ऐसा एक दिन जरूर आएगा जिसमें सभी लोग मेल प्रेम से अहिंसा के वातावरण में रहेंगे, अपने कार्यों को सब मिलकर करेंगे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था, ऐसे समाज का दृष्टांत प्रस्तुत किया और इसीलिए उन्होंने राज का विरोध किया और ऐसा राम राज की दृष्टांत प्रस्तुत किया। इसीलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा गया है। धन्यवाद।